शिवपुरी जिले की कोतवाली पुलिस ने गुरुवार की रात सिंह निवास गांव में 50,000 की अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। कोतवाली प्रभारी विनय यादव ने बताया कि सिंह निवास गांव के मकान से अवैध शराब विक्रय करने की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस टीम को भेज जांच कराई थी, जहां एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। आरोपी के पास से 5 पेटी बियर और 6 पेटी देशी शराब की जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम राजू रावत निवासी सिंह निवास का होना बताया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कितनी पकड़ी है, कहां से पकड़ी है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार अधिक से अधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, जिसके पालन में आज दिनांक को थाना कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सिंह निवास के पास एक व्यक्ति अवैध शराब का विक्रय कर रहा है, जिस पर से थाना कोतवाली टीम के द्वारा उक्त व्यक्ति को घेर कर पकड़ा, जिसके पास से करीब 11 पेटी शराब पकड़ी, जिसमें 6 पेटी देसी प्लेन, 5 अंग्रेजी बियर की पेटी पाई गई है। करीबन कीमती 50,000 है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूर्व में भी कोई अपराध वगैरह? इसकी आपराधिक हिस्ट्री चेक की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।